सीरियल उसे नैना मिलाइके में पुलिस आ जाती है देवनारायण चंदेल के घर और कहती है कि आपने अपनी बहू पर उत्पीड़न किया है, उसने महिला उत्पीड़न की रिपोर्ट लिखवाई है और आपके बेटे संजीव नारायण चंदेल ने उसके ऊपर उत्पीड़न किया है और यह पत्नी है लेकिन उसने अपनी बहू के ऊपर किया है। फिर फ़ोन आता है पुलिस वालों का तो ये बात कंफर्म हो जाती है और कहती है हॉस्पिटल जाके ही पता चलेगा कि आप लोगों ने सही किया है या गलत किया है। तभी कुहू कहती है कि हमारे संजीव बाबू कभी ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने कुछ नहीं किया है और वह बिल्कुल बेकसूर हैं। पुलिस वाली कहती है कि चलिए, देवनारायण भी उन्हें बहुत समझाता है, धमकाता है लेकिन वह नहीं मानती और कहती है कि जब रिपोर्ट हुई है तो आप लोगों को चलना तो पड़ेगा ही। और संजीव कहता है ठीक है चलो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सारे लोग संजीव के साथ हॉस्पिटल जाते हैं। कुहू कहती है दीदी तुम बता दो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, बता दो कि मेरे संजीव बाबू ने कुछ नहीं किया है और वह बेकसूर है। तब पुलिस वाली कहती है कि तुम इसे बहकाओ मत। वह पूछती है क्या हुआ है तो कह देती है हंसनी कि मैं गिर गई थी, फिसल गई थी। पुलिस वाली कहती है कि फिसलने से इतनी चोट नहीं लगती है, तुम सच सच बताओ क्या हुआ है, तुम्हें किसका डर है। पुलिस वाली कहती है कि सारे लोगों को मैं बाहर करती हूँ, तुम बेहिचक बताओ तुम्हारे साथ मैं हूँ। जब वह बाहर चले जाते हैं सारे लोग तो वह कहती है अब बताओ कि इस सब के पीछे कौन है, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। तभी जो संजीव और सारे लोग हैं वह बाहर चले जाते हैं और बाहर जाते हैं तो कहती है हंसनी कि अब मैं आपको बताती हूँ कि किसने क्या किया है। वह बार बार पूछती है लेकिन हंसनी फिर झूठ बोल देती है और वह हाथ करती है किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ जिसने कुछ नहीं किया। देखिए आप कि वह किसके तरफ हाथ करती है, वह बाहर खड़े हुए संजीव की तरफ उंगली करती है और कहती है उन्होंने ही मेरे ऊपर यह सब किया है, मेरे ऊपर मारपीट की है और मुझे बहुत ज़्यादा मारा है।